हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ अपने ड्रॉप फ्लावर प्लांट की वैरायटीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ 4-5 वैरायटीज़ हैं। तो अगर आप लोगों को प्लांट वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो पहली जो वैरायटी है फ्रेंड्स, कलर डिफरेंट कलर्स हैं तो वो भी शेयर करती हूँ। तो इतने बड़े पॉट में लगा हुआ है और ये है डॉग फ्लावर प्लांट। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं और इसे ड्रैगन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें फ्लावरिंग, खास बात यह है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत हैवी होती है, बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, भर भर के फूल आते हैं इसमें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, छोटे से प्लांटर पॉट में लगा हुआ है, फिर भी इसमें ये जो डार्क पिंक कलर का जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें कितनी सारी कलियाँ बनी है और फ्लावरिंग बहुत सारी होती है। धूप इस प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे की भी धूप मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ और इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये था डार्क पिंक कलर का डॉग फ्लावर प्लांट। और दूसरा जो है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है वाइट कलर का, जो कि बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स बने हैं, बहुत सारी कलियाँ बनी हैं, ये देखिए। और ये ख़ास तौर से विंटर्स में यानी सर्दियों में ये फूल देते हैं। वैसे ये अभी भी इसमें फूल आते रहेंगे, कम से कम अप्रैल मई तक तो आते रहेंगे अगर इसे अच्छे से इसकी देखभाल की जाए और इसमें अच्छा न्यूट्रिशियस खाद डाला जाए तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये था वाइट कलर का। इसके अलावा जो कलर है वो है फ्रेंड्स, बेहद खूबसूरत कलर में है, ये है येलो कलर का, ये देखिए। इसमें भी बहुत सारी कलियां बन रही हैं, हर डाली जो है इसके हर ब्रांचेस में ही बर्ड्स बन रहे हैं। और फूल का एक ही फूल दो कलर का है, एक तो डार्क येलो है और एक वाइट कह सकते हैं आप या लाइट येलो कह सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत है। तो ये है येलो कलर वाला, इसमें भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं, कलियाँ तो बहुत सारी बनी हैं। इसके अलावा एक और कलर है, वो है फ्रेंड्स, ये देखिए, बेहद खूबसूरत कलर है, ये देखिए, रेड कलर का, तो बहुत ही सुंदर कलर है। वैसे इसमें और भी रंगों में इसके फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, अगर आप लोगों को ये प्लांट अच्छा लग रहा है तो अभी भी आप ले सकते हैं। वैसे ये प्लांट्स बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं और ये सारे पौधे मैंने ख़रीदे हैं 1-2 दिन पहले ही। और इसके ऊपर मैंने प्लांट वीडियो भी शेयर किया हुआ है, कि प्लांट शॉपिंग वीडियो, जिसमें सारे पौधों के नाम और प्राइस भी शेयर किए हुए हैं। कल ही मैंने वो वीडियो शेयर किया हुआ है, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, कल ही डाला है वो वीडियो। तो बहुत खूबसूरत प्लांट है, छोटे से प्लांटर में आ भी जाता है, स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़े से स्पेस में आप रख सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे धूप अच्छी आती हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसे कोने में आपने प्लांट को रखा है जहाँ पे धूप नहीं आ रही है और दूसरे कोने में आपके घर के वहाँ धूप आती है, तो आप उस गमले को उठाकर कुछ देर वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ पे धूप आती है, फिर आप उस गमले को हटाकर वापस से वहीं रख दें जहाँ आपने रखा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इससे प्लांट को धूप भी मिल जाएगी और आपके मनचाहे जगह पे वो पौधा भी रह जाएगा। तो ये है डॉग फ्लावर प्लांट, जिसे ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं और बेहद खूबसूरत है फ्रेंड्स। फ्लावरिंग प्लांट किसे पसंद नहीं आता, एक ये तो ऐसा पौधा है कि बस देखो तो मन करता है बस देखते ही रहे, बड़ा ही खूबसूरत है। वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं और ये एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, एक मेडिसिन की तरह भी इसको काम में लाया जाता है। कई तरह के जैसे ट्यूमर्स, कर्वी, इस तरह की जो बीमारियां हैं उसको भी ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये था स्नैप ड्रैगन प्लांट। और इसमें अगर फूल ज़्यादा लाने हो तो इसमें आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी अच्छा सा वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या पुरानी गोबर की खाद डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि घर में बना होममेड फर्टिलाइज़र डालें, तो आप केले के छिलकों का आप बना सकते हैं।
बनाना पील जो कि बेहद आसान होता है बनाना, और केले कुछ करना नहीं है, बस केले के छिलकों को काट कर 1 से 1.5 लीटर पानी में एक बॉटल में बंद करके रख दें, छिलकों के साथ पानी को बंद करके 1-2 दिन तक के लिए। और फिर उस पानी को आप छान के 3rd दिन सारे पौधों में डालें। आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे आपका वो हिबिस्कस का हो, डॉग फ्लावर प्लांट हो, किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है प्लांट के ऊपर, उल्टा आपके प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप केले के छिलकों का इस्तेमाल करके भी अपने पौधों से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, और आपके प्लांट के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा और फूल तो भर भर कर आएंगे ही। तो यही था फ्रेंड्स, यही कुछ वैरायटीज़ थी, डिफरेंट कलर्स थे डॉग फ्लावर प्लांट के। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया है ये वीडियो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye, take care.